मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर्सनल है। इन्हें सब पता है, इनके सामने बोल सकते हो। ग्रेट, सो बोलो। मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? मुझे जवाब चाहिए। क्या डिसाइड किया है? और दो दिन में हमारी शादी है। अरे यहाँ चल क्या रहा है? मेहंदी लगा रही हो, साड़ियां ले रही हो, मंगलसूत्र खरीद रही हो, तुम विजयवाड़ा क्यों आई फिर? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना, राइट? तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है ना? आनंद। क्या आनंद? तुम क्या कर रही हो तुम्हें अंदाजा नहीं है ना? हमारी दोनों की फैमिलीज इस शादी को लेकर कितना खुश है ये देख रही हो ना? देखो, शादी का मतलब शॉपिंग करना, वेडिंग हॉल बुक करना नहीं है। दो फैमिलीज के बीच के इमोशंस हैं। अगर उन्हें पता लगा कि तुम तैयार नहीं हो, जानती हो उन सब का क्या होगा? एक मिनट रुको, ये हमारी लाइफ है, हमारे पेरेंट्स की लाइफ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स को हमें ही सॉल्व करना होगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो साफ ना बोल दो। बीच में ये हाइड एंड सीक किस लिए? समझ रही हो या नहीं? देखो कैसे चिल्ला रहे हो, अब से पहले तुम कभी ऐसे नहीं थे। रियल पर्सनालिटी अब बाहर आ रही है। आई नो, इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। एक बार हम किसी से प्यार करते हैं, किसी सिचुएशन में हम उनके लिए जीना चाहते हैं, तो किसी सिचुएशन में मरना चाहते हैं। वी कीप चेंजिंग। वैसे भी इंसान क्या सॉल्ट या शुगर है जो हमेशा एक ही टेस्ट का रहता है? हा? अगर तुम ये नहीं समझी तो ये तुम्हारी गलती है। गलती तुम्हारी, मेरे पेरेंट्स सफर करें, ये नहीं चलेगा अक्षरा। देखो, कल जब हमारी शादी हो रही होगी, मुझे शादी पसंद नहीं, मैंने डिसाइड ही नहीं किया। यही करोगी ना? आनंद, एक बार मेरी पोजीशन में आकर तो सोचो। एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर पराए घर में कैसे रह सकती है, सोच कर तो देखो। चुप करो। इस पूरी दुनिया में क्या तुम अकेली शादी कर रही हो? बोलो, हाँ? क्या लगता है तुम्हें? हम लड़कों को कोई टेंशन नहीं होते, बस लड़कियों को ही टेंशन होते हैं। एक बार हमारी पोजीशन में आकर सोचना। शादी होने के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं आंसरेबल हूँ। पूरी सोसाइटी क्वेश्चन उठाएगी हम पर। हमें क्या पता कैसी लड़की हमारे घर आने वाली है, हमारी फैमिली के साथ एडजस्ट होगी या नहीं, हा? हम जैसी रहेगी कि नहीं, अच्छी होगी या बुरी, या तुम्हारे जैसी पागल होगी। ऐसे लाखों सवालों में, करोड़ों टेंशन में। एक बार सोच कर देखो अक्षरा, अभी जैसा तुम बिहेव कर रही हो, मैं भी वैसा ही करता तो? बोलो क्या करती, क्या करती तुम? तुम बस अपने बारे में सोच रही हो। एक बार मेरे बारे में आंखें बंद करके सोचो, तब तुम्हें समझ आएगा इस दिल में कितना दर्द हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करूं कि तुम्हें शादी नहीं करनी। अरे क्या, डरा रहे हो क्या, या प्रेशराइज कर रहे हो मुझे? प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं अक्षरा, यू बिहेविंग लाइक अ फूल, मैं बता रहा हूं। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं अक्षरा, हमारी गेम के हम दोनों पार्टनर्स हैं। अगर ये खेल खेलना ही है तो दोनों खेलेंगे। एंड इफ यू डोंट वांट टू प्ले दिस गेम, यू कैन लीव, लीव राइट नाउ। ओके, डिसाइड तो कर ही लिया तुमने। तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा कि यह शादी नहीं होगी। अक्षरा, इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप सॉरी मत बोलिए। हमारी गलती नहीं होगी, पर हमारी बेटी ने गलती की है ना? नहीं आंटी, एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं है। उसने कहा था
नहीं करते शादी, यहीं रोक देते हैं। गलती मेरी भी है, उसके मना करने के बाद भी मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि जो भी हो मैं उसे अपना बना लूंगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं। सुनिए जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मैं किस मुंह से बोलूं? जब अपने लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं तो उस फीलिंग को आखिर कितने लोग हैं जो समझ पाते हैं इस अकेले के अलावा? आप ये क्या बोल रहे हैं? सब उसकी मर्जी है, सब उसी के हिसाब से होगा, और हम क्यों? आखिर हम उसकी सारी बातें क्यों माने? क्यों मतलब? मेरे घर के लोग, मेरे समाज के लोग क्या समझेंगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बेटी क्या चाहती है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आनंद, उसने जो फैसला किया है वो गलत है या सही मुझे नहीं पता, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अपने लिए चाहे जो भी फैसला ले, वो फैसला मेरे लिए आखिरी होगा। अगर वो गलत भी है तो भी मैं उसे ही सपोर्ट करूंगा, पर तुम्हारी तरफ से मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं बेटा। तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों से माफी मांग लूंगा। नहीं अंकल, आप मेरे घर मत आना, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगा, उन्हें जो बताना चाहिए मैं खुद बता दूंगा। आप जल्दी यहां से हैदराबाद चले जाइए अंकल, प्लीज, क्योंकि ये बात पता चलने के बाद कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाना चाहिए अंकल। ऐसा हुआ तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा। आप सभी बहुत अच्छे हैं अंकल, प्लीज चले जाइए अंकल, प्लीज अंकल प्लीज। आप बड़े हैं, क्या आपको पता है फ्यूचर में हमारी एक लड़की। फ्यूचर में अगर मुझे बेटी पैदा हुई और वो भी ऐसा ही डिसीजन लेती, यकीन मानिए अंकल मैं उसे ही सपोर्ट करता। आपने सही कहा, शादी से ज्यादा जिंदगी इंपॉर्टेंट है। पर एक रिक्वेस्ट है अंकल, मेरे यहां से जाने के बाद अक्षरा को कुछ मत कहना, प्लीज अंकल। हमें हैदराबाद के लिए निकलना होगा।